शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, देखिए जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा अडानी ग्रुप को जो है वो 400 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया है उस लोन की जांच करने की और उसकी जल्द से जल्द जो है उसकी रिकवरी करने को लेकर है। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस समय अडानी ग्रुप जो है विवादों के घेरे के अंदर है, सदन और सदन के बाहर लगातार उन पर जो है आरोपों की बौछार हो रही है और सरकार द्वारा किसी तरह का बयान ना जारी करना, किसी तरह के जांच के आदेश ना देने से जनता भी जो है इस समय असमंजस के अंदर है। को बता दें कि जम्मू कश्मीर की तरफ से अडानी ग्रुप को जम्मू कश्मीर के बाहर व्यवसाय करने के लिए भी 400 करोड़ रुपए का उनको लोन दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो स्वयं रोजगार के लिए, लघु उद्योगों के लिए, छोटे छोटे स्थानीय उद्योगों के लिए बैंकों के जो है दर्जनों बार सैकड़ों बार उनको चक्कर काटने पड़ते हैं मगर उनका जल्दी से जो है लोन नहीं होता। वही जनता की जो है गाड़ी कमाई जो बैंक के अंदर जमा है, बैंक जो है उनको अडानी ग्रुप जैसे अपने सूट बूट वाले लोगों को थाली में परोसकर जो है वो करोड़ों रुपए का लोन दे रहा है। शिवसेना इसकी कड़ी निंदा करती है, जांच की मांग करती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी हमारी मांग है, बैंक प्रबंधकों से मांग है कि इसकी जो है गहन जांच की जाए और इसके अंदर जो है इस लोन को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए ताकि जनता जिनका पैसा जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जमा है उनको जो है वो राहत मिले।